दोस्तों मैं हूं आरजे रजीव और आप सुन रहे हैं फाड़ी विद रजीव ऑन रेडियो जिंदगी। दोस्तों कुछ हफ्ते पहले हमने एक सफर शुरू किया था दो महान संगीतकारों का, आरडी बर्मन जी और मदन मोहन जी। और ये दोनों संगीतकार इतने महान हैं और इनके गाने की रिक्वेस्ट इतनी सारी आई थी मेरे पास कि एक घंटे में वो सारे गाने आपके साथ शेयर करना मुमकिन नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सफर को जारी रखें और इस हफ्ते आपके रिक्वेस्ट किए हुए गाने, उनके बारे में कुछ मीठी बातें और उनके बनाए हुए बहुत सारे प्यारे गीत आप सबके साथ शेयर करें। तो इस सफर को जारी रखते हैं, करते हैं कुछ मीठी बातें, सुनते हैं बहुत सारे प्यारे गीत ऑन फाड़ी विद रजीव ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। हो जाता है मेरा भी जादू जवान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां। गुण जाना हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ
कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आगे किसका निशान। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। भुवन जाना ढूंढती हूँ, भुवन जाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवान। मैं हूं आरजे रजीव और आप सुन रहे हैं फौड़ी विद रजीव। दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं दो महान संगीतकारों की, आरडी बर्मन और मदन मोहन जी की। और जब इन संगीतकारों की बात करें तो हमें तो पता ही है कि उन्होंने कितने मूवीज में हिट गाने दिए हैं और कितने एक्टर्स को भी हिट किया है उनके गाने के थ्रू। पर किसी भी आर्टिस्ट के लिए इनाम मिलना, टू बी अवॉर्डेड थ्रू प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर हैरानी की बात है कि आरडी बर्मन जी को द प्रेस्टिजियस फिल्म फेयर अवार्ड सिर्फ 3 मूवीज के लिए मिला। एक तो थी सनम तेरी कसम, दूसरी मासूम और तीसरी उनके जाने के बाद 1942 अ लव स्टोरी। वैसे तो जितने हिट मूवीज हैं जिनके गाने आपको बहुत बहुत पसंद हैं, जैसे कि मूवीज लाइक कारवां, आराधना, कटी पतंग, शोले, हम किसी से कम नहीं वगैरह वगैरह, इन सारी मूवीज़ में, काफ़ी मूवीज़ में उनको नॉमिनेशन तो मिली पर अवार्ड सिर्फ 3 मूवीज़ में मिला। पर खैर, जो उन्होंने उन मूवीज़ के लिए गाने बनाए हैं वो इतने प्यारे हैं कि वो इनाम या अवार्ड से बहुत आगे बढ़कर हैं। उन्होंने ना सिर्फ वो अच्छे गाने बनाए पर ऑल्सो गिव द प्लेटफॉर्म टू मेक दोस मूवीज हिट एंड ऑल्सो मेक दोस एक्टर्स हिट। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा गाना सनम तेरी कसम का, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और ये गाना गाया है किशोर कुमार ने और ये गाना है जितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम। सुनते रहिए पौड़ी विद रजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम। हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम। ओ सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। जितना तड़पाएगी मुझको उतना ही तड़पेगी तू भी, जो आज है आरज़ू मेरी वो कल तेरी आरज़ू होगी। जितना तड़पाएगी मुझको उतना ही तड़पेगी तू भी, जो आज है आरज़ू मेरी वो कल तेरी आरज़ू होगी। ये झूठ नहीं
नफरत से देखना पहले अंदाज प्यार का है ये कुछ है आंखों का रिश्ता गुस्सा इकरार का है ये नफरत से देखना पहले अंदाज प्यार का है ये कुछ है आंखों का रिश्ता गुस्सा इकरार का है सहेंगे हम कितने भी कर सितम हंस हंस के सहेंगे हम ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम दोस्तों कहते हैं कि पुराने जमानों के गीतों से ऐसा लगता था कि एक्टर खुद वो गीत गा रहा है, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी सिंगिंग फॉर शमी कपूर, तो लगता था जैसे शमी कपूर ही वो खुद गाने को गा रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं, और किशोर दास सिंगिंग फॉर देवानंद। और कई बार तो ये होता था कि एक्टर्स यूज टू बिकम सुपर हिट जस्ट बिकॉज ऑफ द सुपर हिट सॉन्ग्स। 1970s saw द राइज ऑफ राजेश खन्ना, और उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे बहुत बड़ा हाथ था पंचम दा का और किशोर दा का। राजेश खन्ना की हिट मूवीज लाइक कटी पतंग, मेरे जीवन साथी, आराधना, अमर प्रेम, और उन सब हिट मूवीज के पीछे संगीतकार थे आरडी बर्मन और गाने वाले मेलोडियस किशोर कुमार। तो सुनते हैं आराधना मूवी का ये मदहोश कर देने वाला गाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। सुनते रहिए पौड़ी विद रजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है, रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। Thank you.
से आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे मौज कोई साहिल से टकराए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए जमाना दूर ही रहना पास न आना रोक रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास न आना कैसे मगर कोई दिल को समझाए रूप तेरा दोस्तों पिछले हफ्ते हमारे वॉशिंगटन डीसी में आशा भोंसले जी का शो हुआ था और काफी उसके बारे में चर्चा भी हुई थी बट व्हाट अमेजेस मी कि 82 इयर्स की उम्र में भी आशा जी वाज एबल टू होल्ड द कॉन्सर्ट एंड गेट द अटेंशन ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हर फैंस बाय सिंगिंग हर ऑल टाइम हिट नंबर्स 82 इयर्स की उम्र में अगर मैं सीधा खड़ा होकर सीधा बोल भी पाऊं तो मैं उसे खुशकिस्मती समझूंगा और आशा जी एक ऐसी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जो ना सिर्फ उस उम्र में गाने गा रही हैं बट शी इज एबल टू स्टैंड एंड होल्ड द कॉन्सर्ट एंड होल्ड द अटेंशन आशा जी एक ऐसी कलाकार हैं जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होती हैं और मदन मोहन जी भी लता जी के और आशा जी के बहुत बड़े फैन थे और कई अपने गाने उनसे ही गवाए थे तो ये अगला गाना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिसमें खुद मदन मोहन जी ने आशा जी की तारीफ की है तो सुनते हैं मदन मोहन जी की आवाज में आशा जी के बारे में बातें करते हुए कुछ छोटी सी कहानी और फिर सुनेंगे आशा जी का ये बहुत ही प्यारा सा गाना सुनते रहिए पौड़ी विद रुचि ओनली ऑन रेडियो जिंदगी जिए जा जूं जूं वक्त गुजरता जाता है आशा की आवाज और गाने का अंदाज और रोशन होते जाते हैं याददाश्त ऐसी है कि जवाब नहीं और आवाज का जादू बयान से बाहर दिल बिल्कुल बच्चों के दिल की तरह है बिल्कुल साफ और बहुत ही इमोशनल और अगर गौर से देखा जाए तो पिछले कई बरसों से आशा के गाने का निखार बढ़ता ही जाता है दुआ है कि ये निखार यूं ही बढ़ता रहे और मेरी छोटी बहन यूं ही शोख और चुलबुली रहे क्योंकि शोखी और चुलबुलापन इसके गाने की बहुत बड़ी खूबी है शोख नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा मेरा न कुछ ख्याल कर तू यूं ही मुस्कुराए जा शोख नजर
मैं हूं आरजे रजीव और आप सुन रहे हैं फाड़ी विद रजीव। दोस्तों, हिंदी मूवीज में जब भी गजल की बात आती है तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है मदन मोहन जी। कैसे भूल सकते हैं हम अनपढ़ मूवी की ये बहुत ही प्यारी सी गजल, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और ही रांझा में दो दिल टूटे दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे। और ऐसे ही कई नगीनों में से आज मैं आपके लिए एक खास तोहफा लेके आया हूं, क्योंकि ये जो अगली गजल है मदन मोहन जी की कंपोज की हुई, ये आज हमारे पास भेजी है ऑलनी मैरीलैंड से डॉक्टर संगीता समलोट जी ने, जिन्होंने ये बहुत ही प्यारी सी गजल अपनी आवाज में प्रस्तुत की है हमारे लोकल टैलेंट ऑफ द वीक के सेक्शन के लिए, टू बी शेयर्ड विद ऑल आवर लिसनर्स। और ये गजल है, रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे। तो सुनते हैं संगीता सिमलोट जी की प्यारी सी आवाज में ये बहुत ही प्यारी सी गजल, ओनली ऑन थॉडी विद रजीव ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा
मुझे होता जो वो मौका तो उठा भी लेते, मुझे होता जो वो मौका तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी वो तो उठाए मैं हूं आरजे रजीव और आप सुन रहे हैं फाड़ी विद रजीव। दोस्तों, ये अगला गाना मैंने डेडिकेट किया है टू वन ऑफ अ वेरी पैशनेट सिंगर शमा माथुर गर्ग को, जिन्होंने ये गाना गाया और शेयर किया अपने फेसबुक पेज पे आफ्टर आशा भोंसले's परफॉर्मेंस इन वॉशिंगटन DC। और इस गाने की रिक्वेस्ट इंडिया से भी आई है फ्रॉम जयती दत्ता फ्रॉम कोलकाता। तो सुनते हैं दिस रॉकिंग आशा आरडी बर्मन नंबर पिया थू अब तो आजा। सुनते रहिए पौड़ी विद रुजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जी चा मोनिका, ओ माय डार्लिंग,
दोस्तों मैं हूं आरजे रजीव और आप सुन रहे हैं पहाड़ी विद रजीव ऑन रेडियो जिंदगी। मदन मोहन जी इस तरह के संगीतकार थे जिनका संगीत उनके जाने के कई सालों बाद भी जिंदा हुआ फिल्म वीर जरा में। जब जावेद अख्तर जी को यश चोपड़ा जी ने बताया कि उन्हें वीर जरा के गाने लिखने हैं तो जावेद अख्तर जी ने पूछा कि ऑब्वियस क्वेश्चन कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन होंगे, तो यश चोपड़ा जी ने बताया कि मदन मोहन जी। तो जावेद अख्तर जी बड़े हैरान हुए, पर बाद में यश चोपड़ा जी ने बताया कि मदन मोहन जी के बेटे संजीव के पास मदन मोहन जी की कुछ अनरिलीज्ड कॉम्पोजिशन हैं जो वो इस मूवी के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं और उस पे बने वीर जरा के गाने और उसका संगीत, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में मैं एक और लोकल टैलेंट का गाना आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये हैं अटलांटा में रहने वाले प्रतीक पॉल और उन्होंने हमारे सुनने वालों के साथ शेयर किया है उनका ये बहुत ही प्यारा सा गाना उनकी मधुर आवाज़ में, वीर जरा का ही मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। तो सुनते हैं प्रतीक पॉल की मधुर आवाज़ में मदन मोहन जी की कॉम्पोजिशन मूवी वीर जरा का ये बहुत ही मधुर सा गाना। सुनते रहिए पौड़ी विद रुचि ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। छुपा ना सकोगी मैं वो राज़ हूँ
तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारी है दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जबान, मैं यहाँ हूँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ। जानम देख लो मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ हूँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने दो लोकल टैलेंटेड सिंगर्स को सुना इन माय सेगमेंट लोकल टैलेंट ऑफ द वीक। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगले हफ्ते संडे जुलाई 17 को सीजर प्रोडक्शन इज प्रेजेंटिंग कैरियोकी कॉम्पिटिशंस, और अगर आपको म्यूजिक का शौक है और आप यहाँ के वेरी टैलेंटेड लोकल आर्टिस्ट को सुनना चाहते हैं तो प्लीज डू कम बाय एंड जॉइन ऑन संडे जुलाई 17th एट रॉबर्ट परेला परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर इन मंटगमरी कॉलेज इन रॉकविल मैरीलैंड। हाँ दोस्तों, संडे जुलाई 17th फ्रॉम 12 PM टू 6 PM। और क्या पता कि विनर्स को मेरे प्रोग्राम में इंटरव्यू करने का मौका भी मिल जाए। और ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें गाने वाले तो अपना बेस्ट प्रेजेंट करेंगे ही, परंतु उन्हें चाहिए लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट एंड एंकरेजमेंट फ्रॉम द ऑडियंस एंड द लिसनर्स। तो दोस्तों, अगर आप फ्री हों संडे जुलाई 17th को तो प्लीज कम बाय एट द रॉबर्ट परेला परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर इन मंटगमरी कॉलेज टू एंजॉय द सीजर प्रोडक्शंस कैरियोकी कॉम्पिटिशंस। सुनते रहिए पॉडी विद राजीव ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है बहने दो प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो
कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो, कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो।
रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख में थे चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों धनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सावली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सावली सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों में थे चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चलिए दोस्तों, आज का ये प्यारा सा सफर यहीं खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये आज का प्रोग्राम, आज की मीठी बातें और बहुत सारे प्यारे गीत पसंद आए होंगे। साइनिंग ऑफ विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। Take care, have a fantabulous weekend. अगले हफ्ते फिर से मिलूंगा आपको इसी चैनल पे इसी समय। सुनते रहिए
Party with Rajiv only on Radio Zindagi. Jeja. ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए मेरा क्या होगा सोचो तो जरा हाय ऐसे न आए बरा कीजिए दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए आपका अरमान आपका नाम मेरा तराना और नहीं इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं जचता ही नहीं आंखों में कोई दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए अब खुद ही सनम फैसला कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन Oh, my dear.